Subscribe to my channel Neha Preet. It's free to subscribe and hit the bell icon and never miss my any video. Hello guys, again I'm back with a basic makeup tutorial video for beginner. तो ये वीडियो भी बिगनर लुक के लिए होने जा रहा है. मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि हाईलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं अपने फेस पे और कहाँ अप्लाई करना चाहिए हाईलाइटर, क्योंकि ग्लोइंग फेस किसको नहीं पसंद है फ्रेंड. बहुत जो मेकअप में स्टार्टअप करते हैं तो उसको ये पता नहीं रहता है कि एक्टर्स लोग स्किन इतने ग्लो ग्लो क्यों दिखते हैं. ये सब फ्रेंड हाईलाइटर का कमाल होता है. ऐसा ग्लोइंग स्किन आप भी पा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है. सो मेनली हम लोग को सीखना है कि अगर हाईलाइटर आप खरीद भी लेते हैं तो उसको यूज़ कहाँ करना है, अप्लाई कहाँ करना है और उससे क्या होगा. सबसे पहले फ्रेंड आपको हाईलाइटर हमेशा उस जगह पर लगाना रहता है जहाँ पे बोन होती है, लाइक आपके ब्रिज ऑफ नोज, यहाँ पे बोन है तो यहाँ पे, मतलब कि जो भी आपके बॉडी बोन के एवर मतलब स्किन लाइक करती है, लाइक चिक बोन, लाइक हेयर, चिन, ब्रिज ऑफ नोज, अपर लिप, तो ब्रो बोन, ये सब पे आपको हाईलाइटर लगाना होता है. जब भी आपके स्किन पे लाइट ये रिफ्लेक्ट करता है तो वो यूजर देता है ग्लोइंग स्किन का. तो फ्रेंड्स ये ग्लोइंग स्किन मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं. तो हम सीखते हैं कि हाईलाइटर का उपयोग कैसे करें. तो मैं इस पैलेट से हाईलाइटर लूंगी एंड अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ. लाइक आई एम गोइंग टू पुट माय बेस ऑफ नोज. ये देखिए, आपको पतले से ब्रश ले सकते हो क्योंकि नोज का जो ये ज़्यादा अगर आप ये वाइन करते हैं तो उससे आपके नोज काफ़ी ठीक लगता है. सो आपको काफ़ी पतला कवरेज देना है नोज पे और उसको प्रॉपरली ब्लेंड करना है. आप फिंगर का भी हेल्प ले सकते हैं. इससे आपके मुंह पे जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो काफी अच्छा ग्लो आएगा. ये हो गया और उसके बाद आपको अपर लिप में आप लगा सकते हो, चिन पे, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए ना. और चिक पे ब्लश के ऊपर जो एरिया होता है उस पर हम लोग को चिक पे हाईलाइटर लगाना रहता है. तो यहाँ मैं ब्लश पुट की हूँ तो इसके ऊपर वाले एरिया पे मुझे हाईलाइटर पुट करना है. आप इससे एक फ्लैट ब्रश आता है जो कि वो अच्छा एरिया कवरेज करेगा, कवर करेगा. सो आप उसको अप्लाई कीजिए, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं उसे यूज़ कर रही हूँ. सो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है. ये देखिए जैसे मैं लगाई तो देखिए मेरे फेस पे कितना ग्लो ऐड ऑन हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लगता है. मैं अपने इस साइड के भी चिक पे लगा लेती हूँ फ्रेंड. आप अपने ब्रॉ बोन पे भी लगा सकते हैं. आप इसको हाईलाइटर को इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ भी लगा सकते हो, पर मैं शैडो नहीं लगा रही तो वहाँ मैं लगा के नहीं दिखा रही आपको. और ब्रॉ बोन एरिया पे भी लगा सकते हैं हल्के हल्के. अब इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए हर जगह. देखिए मैं अप्लाई करने का स्किन कितना ग्लोइंग लगने लगा. सो यही होता है, ये ग्लो ऐड करता है जिसके वजह से आपकी स्किन काफ़ी निखरी निखरी लगती है. बस फ्रेंड ये है आपका हाइलाइटर का काम. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इससे जो भी सीखें आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो का लिंक. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए. और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. और थैंक यू.